अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने डू प्राइम ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, चाहे वो MT4 का है, MT5 का है, सेंट अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, ECN है, तो आपने वो अकाउंट कैसे बनाना है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कुछ ख़ास सेटिंग्स जो कौन सी हैं वो आपने करनी है। हालांकि मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान सेटअप है, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि उन्होंने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आपको मैं बताऊँ कि आपने डू प्राइम के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ब्रोकर का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करें तो ये डायरेक्टली आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करेंगे जैसे डू प्राइम, तो वो आपको वेबसाइट पे ले आएगा। तो आप यहाँ पे ओपन योर डू प्राइम FX अकाउंट का आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको डू प्राइम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ले आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली इंडिविजुअल क्लाइंट के तौर पे अपना अकाउंट बनाना है। अगर आप कॉरपोरेट हैं तो आप कॉरपोरेट क्लाइंट के तौर पे बना ले, मैं तो इंडिविजुअल हूँ तो मैं बनाऊंगा। तो मैं, मेरा अकाउंट चूंकि बना हुआ है तो इसलिए मैं डबलिंग नहीं करना चाहता, मैं अपने भाई के नाम पर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ, अली रजा संधू के नाम पर, ठीक है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफकोर्स आप अपना सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में पाकिस्तान है तो आप यहाँ पर पाक लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। और नेशनैलिटी चूंकि मेरी पाकिस्तान की है तो नेशनैलिटी मेरी आएगी पाकिस्तानी की, ठीक है, पाकिस्तान की ही आएगी। और यहाँ पर आप अपने कंट्री का कोड, फ्लैग सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे केस में पाकिस्तान ही है तो मैं पाकिस्तान करूँगा। और मैं अपना फ़ोन नंबर, जो मेरा एक फ़ोन नंबर है उसको मैं अपना राइट कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी मेरा फ़ोन नंबर ऑफिशियल चलता है। बल्कि आप इसको छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ कि +92370143689 ये मेरा WhatsApp का नंबर है जो कि ऑफिशियली मैं फोरेक्स वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। और जो मेरी ईमेल है वो है myforexfever@gmail.com। तो आप इस पे मुझे ईमेल करके भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो पासवर्ड है, पासवर्ड ऑफ कोर्स आप अपना कोई पासवर्ड रखेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। आप इनकी पॉलिसी वगैरह एक्सेप्ट करें तो मैं पासवर्ड वगैरह सेव रखना चाहूँगा तो करेंगे, तो वो चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इस के नंबर पर नहीं जाता, तो मैं दूसरे नंबर पर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने केस में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, तो पासवर्ड अभी मुझे सेव नहीं करवाना, तो मैं पासवर्ड सेव नहीं करवाऊंगा। और वो मुझसे पूछता है कि वी हैव सेंड कन्फर्मेशन, जो आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के अंदर आपका जो है वो पिन भेजा गया है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अपनी ईमेल आईडी ओपन करने के साथ मैं अभी करता हूं इसको और फ्रेक्स फीवर को, ठीक है, चूंकि मेरी यही ईमेल है। तो यहां पर ये देखें मुझे पिन कोड आ गया हुआ है, तो पिन कोड यहां से मैं कर लेता हूं कॉपी, या मुझे अगर ज़ुबानी याद है तो मैं ज़ुबानी इसको मैं लिख लूँगा, ठीक है, ज़ुबानी भी मैं टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके करूँगा, तो इसको मैं जब कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा पिन वेरीफाई कर देगा और यहाँ पर ये मुझे बताएगा कि आपका अकाउंट जो है वो बन चुका हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि आप देखिए कि आपको बता रहा है कि आपका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ पर आप जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन आगे दे देगा। तो आपको यहाँ पर अपनी पहले प्रोफाइल वेरीफाई करनी है और उसके बाद आपको आगे प्रोसीजर जाना वो करना है। तो ये एक छोटा सा एक सेटअप था कि हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट इन डू प्राइम। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा आसानी के साथ बन जाएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा अब बिगनर हैं और फ्रेक्स में नए नए आए हैं। थैंक यू।